माइंडसेट क्यों जरूरी है सक्सेस के लिए? ध्यान रखिएगा, आपका माइंड सेट ही सबसे बड़ा हथियार होता है और विस्तार फाउंडेशन के द्वारा लगातार माइंडसेट पे आपको कार्य करवाया जाता है। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग कैसा चल रहा है ये जो है डिसाइड करेगा कि आप डिग्री से कितना सक्सेस होंगे। और माइंडसेट को मैनेज करने के लिए 5 एलिमेंट्स आप सभी अपने अंदर डेवलप करिए। नंबर पहला लिखिएगा, फर्स्ट आपका है प्लानिंग। फर्स्ट माइंडसेट आपको क्या करना है, आप प्लानिंग करें, हर सुबह उठ के क्या करें, प्लान करें कि मुझे करना क्या है। पूरे दिन की प्लानिंग आपको रोज सुबह करनी है और संडे को वीक प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट वीक जो काम हो रहा है उसमें क्या करना है। नंबर दूसरा लिखिएगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, आपको जो प्लान किया उसमें कंटिन्यूटी कितना आप रख पा रहे हैं। हर दिन के आखिरी में सोने से पहले आप ये देखिए कितने प्लान आपने पूरे कर लिए, और हर हफ्ते में आप देखें कि आपने कितने प्लान कंप्लीट कर लिए। ये कंटिन्यूटी चार्ट ध्यान रखना आपको अपना बना के रखना होगा, इसके लिए आप एक डायरी रखें अपने पास और कंटिन्यूटी चार्ट आप क्या करें बनाएं। थर्ड आप लिखिएगा मोटिवेशन। थर्ड आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया, जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ध्यान रखना आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है और ये मोटिवेट डेली आपको करना है। नंबर चौथा लिखिएगा पेशेंस एंड करेज। पेशेंस आपको रखना है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है, हड़बड़ी ना करें। जो पढ़ाई भी कर रहे, जो हमारे से कोर्सेस करते हैं, किसी भी कॉलेज से कोर्स कर रहे, हड़बड़ी ना करें, सब होगा, आराम से करें, धीरे धीरे करके करें। और पांचवा लास्ट एलिमेंट माइंड सेट पॉजिटिविटी। आपकी माइंड सेट आप पॉजिटिविटी आप रखिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही आपको काम करना है। ठीक है, दिमाग को पॉजिटिव आपको रख, नेगेटिविटी रखी मत, नहीं तो आप सारे कोर्स जो कर रहे हैं सब फेलियर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है डिग्रियों की खदान लगाने से, सब फेलियर। तो ये 5 पॉइंट मैंने पहले बताया सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ।